मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज के अंदर उत्तर प्रदेश में आज भी बाबा सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि बाबाओं की आश्रम पे असामाजिक तत्वों के द्वारा हड़पने का एक मामला सामने आया। बाबा आज डिस्ट्रिक्ट ब्रांचर खड़े हैं, ये रीजन ये है कि जी काफ़ी समय मुझे हो गया, पूरे जिला प्रशासन में मैं घूमता रहा हूँ, इधर उधर सिकंदराबाद कपूर जेवर अड्डे पर आश्रम है, मैं बीच में कहीं वहाँ नेपाल आदि जो है बाहर की यात्रा पर घूमने चला गया था, वहाँ काफ़ी मुझको समय लग गया। इस बीच में देख करके कुछ गुंडा तत्वों ने कि वो तो जो है शायद खत्म हो गए दिखे हैं, उसमें गए और कब्जा कर दिया। तो वहाँ आश्रम की जो अलग कुटिया है 150 गज में है, उसमें अपना परिवार बाँट दिया है। जहाँ कार्यालय था उसकी 3 दुकानें हैं और प्रशासन के सभी आदमियों को मिल चुका हूँ, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अब माननीय BM महोदय जी के पास में आए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन उन्होंने ये दिया है कि हम जांच कराएंगे इस तरह का कहा है, और देखेंगे आपको न्याय मिलेगा इस तरह का मुझे कहा है। आप संतुष्ट हैं माननीय DM साहब के आदेश से? देखो जी, संतुष्ट तो अभी नहीं है, क्योंकि प्रशासन में मैं तो बहुत दे चुका हूँ, पहले से भी बहुत कर चुका हूँ, और जो है मैं विधायक जी को भी मिला हूँ, विधायक जी के वे भी उनके यहाँ पहुँचे हैं और उसी आश्रम में जो है सबूत बनाने के लिए वहाँ झंडा फहराया है, वो वीडियो बना रहे हैं। मैंने की कि आप ऐसी जगह क्यों चले गए, तो उन्होंने कि हम कुछ जाँच करूँगा और मदद करूँगा ऐसा कहा है। अब पता चले आगे क्या होता है, अभी कब आएंगे या क्या करेंगे। तो देखिए, एक साधु संत के आश्रम पे कुछ दबंगों ने किस तरीका से कब्जा कर रखा है, ये आवाज़ 24 न्यूज आपको साक्षात दिखा रही है कि एक संत दर दर की ठोकर खाते हुए आज डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर माननीय DM मोदी जी के पास में आए और अपनी उन्होंने दास्ता सारी DM मोदी जी को सुनाई। मैं सतीश कुमार गौड़, ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, आवाज 24 न्यूज। कब्जा करके जो है व्यापार और उस तरह का वो कर रहे हैं। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, ये जो आपकी आश्रम पे कब्जा किया है, ये कहाँ के लोग हैं? ये प्राणगढ़ गांव के हैं और इसमें कई आदमी मिले हुए हैं। प्राणगढ़ के एक वकील हैं मनवीर सिंह, वो यहाँ इस बुलंदशहर कोर्ट में इसी तरह की 400 BC के दस्तावेज तैयार करने में माहिर हैं। आपस में उन दूसरे लोगों ने कुछ पैसा दे करके यहाँ नीचे के कर्मचारियों को पैसा वैसा दे करके फर्जी दस्तावेज और उसकी तैयारी कर रहे हैं। मनवीर ने भी बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी यहाँ कर ली है, SDM कोर्ट सिकंदराबाद में है, नोएडा में रहने के लिए मकान वो सब कर लिए हैं, लेकिन कोई जाँच नहीं हो रही और मैं यहाँ दर दर सब जगह घूम रहा हूँ।